तो 2019 का जनादेश कल सामने आ चुका है, जिसके बाद एक तरफा जीत यहां पर बीजेपी के एनडीए की हुई है। और इस जीत के बाद आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने। जीत के बाद उनसे मुलाकात की, आशीर्वाद लिया, यह हम तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि कल जैसे ही जीत हुई, मुरली मनोहर जोशी ने भी तारीफ की इस बड़ी जीत के लिए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब मुरली मनोहर जोशी से भी मिलने के लिए पहुंचे, उनके आवास पर मुरली मनोहर जोशी ने भी करण जोशी से उनका स्वागत किया, मुंह मीठा कराया, चर्चा की और बधाई दी यहाँ पर इस बड़ी जीत के लिए। और उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर भी पहुंचे, पैर छूकर आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और शुभकामनाएं आडवाणी ने भी दी। काफी देर तक चर्चा भी हुई दोनों के बीच। हालांकि आडवाणी को लेकर सवाल जरूर उठते रहे हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन इन सबसे इतर यह अहम तस्वीर, जब इस बड़ी जीत के बाद दोनों मार्गदर्शकों से मुलाकात करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, अमित शाह पहुंचे, दोनों साथ में ही उनसे मुलाकात करने गए और न सिर्फ पैर छूकर आशीर्वाद लिया, मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं भी लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने दी। तो बेहद अहम तस्वीर जब उनके आवास पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वहीं मोदी शाह से मिलने के बाद मुरली मनोहर जोशी का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि भाजपा में बुजुर्गों का सम्मान होता है। मोदी शाह मुझसे आशीर्वाद लेने आए थे, यह हमारी पार्टी की परंपरा है। दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, मोदी के सामने कोई विकल्प ही नहीं था। फलदायी पेड़ जनता के लिए स्वादिष्ट हो, पार्टी की परंपरा है। हम लोग हमेशा इस बारे में अपने वयोवृद्ध लोगों के साथ, चाहे वो पार्टी में हो या व्यापक परिवार हो जो अपना, उसमें सबसे जाकर उनकी शुभकामनाएं लेते हैं और जो कुछ किया गया है उसके लिए भविष्य में और अधिक तेजी के साथ, शक्ति के साथ काम कर सकें, इसके लिए उनकी शुभकामनाएं लेते हैं। तो उसी दृष्टि से प्रधानमंत्री जी और अध्यक्ष जी आए थे, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और एक करिश्माती जीत हासिल की है।